हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एरिया में लॉकडाउन नहीं लगा होगा और आई होप लगे भी ना, क्योंकि हमारे यहाँ चंडीगढ़ में तो लग गया है भाई। सुबह से घर पे जो है बैठे हुए हैं, तो सोचा चलो कुछ वीडियोस, मुझे बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही है उनकी, तो शूट कर लेते हैं। वरना नॉर्मली आजकल टाइम जो है मिल नहीं रहा कुछ भी करने के लिए, तो एक वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही है और इस वीडियो के टाइटल में है बेस्ट मिमिक्री महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य देवर्मा। ओके, तो इसमें शायद महाराज ने जो है मिमिक्री की है। और जब से मैंने महाराज के इंटरव्यू पे दिया ना रिएक्शन, जो न्यूज़ टुडे ने लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको प्राइवेट बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में भी होगा। तो उस वीडियो के बाद मुझे महाराज के रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ की रिक्वेस्ट आ रही है, तो अब इतनी सारी है वो रिक्वेस्ट इंस्टा पे कि सब पे करना तो मुश्किल है, तो कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ कि भाई किस पे करूँ। तो ये वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा आ रही है, तो इसको मैंने चूज़ कर लिया। और इसके पूरे टाइटल में जो एक तो शुरू में लिखा हुआ है कि बेस्ट मिमिक्री महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य देवर्मा, साथ में है आई एम नॉट कम्यू, आई थिंक ये पूरा वर्ड कम्युनिस्ट होगा, तो आई थिंक महाराज ने इसमें कहा है कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, और बड़े फरी वे में कहा है शायद किसी की जो है मिमिक्री करके। चलो वो जो भी है, अभी हम वीडियो को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि महाराज ने क्या कहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। नाउ और टाइम नहीं लूँगा आपका, और वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 ये तो मोदी जी है। आप लोग एक बात समझ लो, बहुत लोग बोलते हैं गोबागरा तिप्रसा तिप्रसा, ज्यादा बोलता है, क्यों नहीं बोले गोबागरा तिप्रसा? बीजेपी बोलता है गोबागरा तिप्रसा तिप्रसा, बहुत बोलता है, क्यों नहीं बोले आंगो पुला तिप्रसा उलो आंगो बागरा, क्यों नहीं बोले? हक बनता है, जहा हमारा राज्य हमारा, आप लोग हमारे थोई तिप्रा का, क्यों नहीं बोले? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, हा 13 साल तक बोलते रहा, क्या बोलता था मोदी? मारो गुजरात में भाइयों बहनों मित्रों, मिमिक्री अच्छी की है मित्रों, बोलता था मैं गुजरात का, मैंने ये किया, बोलता था बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट था, हिंदुस्तान आया, मोदी ले जाता है गुजरात, चाइना का राष्ट्रपति आता है, मोदी ले जाता है गुजरात, जापान का प्रधानमंत्री आता है, मोदी ले जाता है गुजरात, अमित शाह गुजराती, सीबीआई डायरेक्टर गुजरात का, अनिल अंबानी गुजरात का, अदानी गुजरात का, यहां तक वो बुलेट ट्रेन जो मोदी बोलता है चुक 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 करके ट्रेन जाएगा कहां? बॉम्बे से गुजरात। जब मोदी गुजरात के बारे में बोल सकता है तो सब लोग बोलता है ठीक है, जब बुबागरा तिपरा के लिए बोलता है तो बोलता है कॉम्युनिस्ट। बात तो सही है, बनर्जी बोलता बंदा जो जहां क्या उसके बारे में तो बोलने का हक है। ममता बनर्जी मानुष बोलता है, जब ममता बनर्जी माँ माटी मानुष बोलता है तो कोई नहीं बोलता कि ये कॉम्युनल है कि नहीं, कौन है ये मानुष कोई पूछता है? जब शत्रुघ्न सिन्हा, कौन जानता है शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर, कौन जानता है? मेरी शीट से
पिछले 40 साल से शत्रुघ्न सिन्हा बोलते रहता है, मैं हूँ बिहार का काबू, बिहारी काबू, बोलता है। कोई बोलता है कि वो कम्युनल है? अमिताभ बच्चन इतना बड़ा स्टार हमेशा मैं इलाहाबाद का गंगा जोड़ किनारे वाला है, मैं यूपी का हूँ है, बोलते रहता है। उत्तर प्रदेश का कोई बोलता है अमिताभ बच्चन कम्युनल है? आप दिल्ली जाओ, आप पंजाब जाओ, धर्मेंद्र को देखो, मैं पंजाब का हूँ बोलता है। मैं चटियंगला पगला बोलता है। कोई बोलता है वो कम्युनल है? तमिलनाडु जाओ, आप जयललिता को मिलते थे या स्टालिन, इलाम तमिल प्राइड, द्रविड़ प्राइड, द्रविड़ प्राइड बोलता है। जब ये लोग अपना जाति के बारे बोलता है तो ठीक है, बोलेगा तिप्रा के बारे बोलेगा तो ये लोग बोलते हैं कम्युनल। मैं क्यों नहीं बोलूंगा अपने जाति के बारे? हमारा खून पानी है, उनका खून खून है, ऐसा क्यों होता? क्योंकि थंचा नहीं है हमारे पास, थंचा रखो। थंचा क्या? एकता। क्योंकि ये हाँ जमीन राज्य हमारा है, आज हम लोग अलग 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 हैं। अगर सब समाज वंशा हो, चिपरासा हो, रियांग चाकमा मुसलमान हो, एक हो जाए तो हो जाएगा संक्रांत। चैनल मेक इंडिया डिजिटल त्रिपुरा को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसमें और तो कुछ नहीं है। ओके, यही है। ओके, तो भाई मिमिक्री महाराज ने बहुत सही करी है और बहुत फेमस फेमस जो है पर्सनैलिटी करी है। और शत्रुघ्न सिन्हा वो तो जो बिहार के ही है, और झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही पार्ट था, अब एक अलग स्टेट है। पर मैंने सुना है, पता नहीं मुझे इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, पर मैंने सुना है कि उन्होंने जो मेरा जहाँ गांव है ना, उन्होंने अपनी कॉलेज जो है वो वहीं से किया है। बाकी मुझे 100% नहीं पता, बस सुना है इसके बारे में। और इस पूरी वीडियो में जो मैसेज देने की जो कोशिश की गई है वो बहुत सही था, कि अगर कोई अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है, तो वो कम्युनिस्ट कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अपनी कम्युनिटी के बारे में बोलने का, अपनी कम्युनिटी की अच्छाई के लिए, मतलब उनकी जो भलाई के लिए बोलने का हक सबको होता है। तो सिर्फ वो अपनी, मतलब कोई इंसान अगर अपनी कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं और सिर्फ उसके बेस पे उसे जो कम्युनिस्ट बोलना शुरू कर दो, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि कम्युनिस्ट की डेफिनेशन बहुत अलग होती है और उसमें बिल्कुल भी ये वाली जो बात है वो फिट नहीं होती है कि भाई कोई अपनी जो कम्युनिटी के लिए बोल रहा है, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छाई के लिए बोल रहा है, और तो वो जो है कम्युनल हो गया। ओके, सॉरी। तो ओवरऑल महाराज का मैसेज बहुत सही था और उनका मैसेज बहुत क्लियर भी था कि भाई मैं तो बोलूँगा अपनी कम्युनिटी के बारे में, मुझे पूरा राइट है, आप और आप चाहे जो मर्जी कर लो। तो ये एटीट्यूड बहुत सही है त्रिपुरा के लोगों के लिए। और सही में अब तो मतलब मैं पहले इनको नहीं था, मतलब बिल्कुल जानता नहीं था, पर अब मैं काफ़ी जानने लगा हूँ और धीरे धीरे मैं भी इनका फ़ैन हो रहा हूँ। मतलब इनकी जो सोच है त्रिपुरा के लेके वो बहुत पॉजिटिव है, और अभी वो इलेक्शन भी जीते हैं। और मुझे जो पिछली वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि ये वहाँ के जो त्रिपुरा के इलेक्शन होते हैं वो जीत गए हैं, तो अब ये जीत गए हैं तो अब इनके पास पावर है। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ ये त्रिपुरा की जो भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े जो स्टेप लेने चाहिए वो ये ज़रूर लेंगे। और क्या बोलूँ, मतलब सही में ये मुझे
मुझे नहीं पता ये जो है कौन से पार्टी से है मुझे, और पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है, अगर जिस मर्जी पार्टी से हो ये, पर मुझे इन पे जो है पूरा सा वो जो है टस सा हो रहा है कि ये भाई त्रिपुरा के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो अब तो ये इलेक्शन भी जीत गया, तो अब देखते हैं कितना अच्छा और पॉजिटिव चीज़ें हमें आने वाले समय में जो है देखने को मिलती है। और इनकी मैंने जैसे कि जो लास्ट वीडियो में भी कहा है कि मतलब इनकी हिंदी बहुत साफ है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका बहुत अच्छा है वो तो भाई वीडियो देख के मालूम पड़ गया, मतलब इतने फनी वे में सब कुछ ये अपना जो मैसेज जो है वो दे रहे थे, तो इससे मालूम पड़ता है कि वो एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे इंसान हैं। सही में मैं तो फैन हो रहा हूँ। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।